हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। और आज का हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स के पहले हमने सिक्वेंशियल सर्किट आपको बताया था, और हम और भी थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, उसके बाद में हम फ्लिप फ्लॉप्स को शुरू करेंगे। बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हम फोर टाइप्स के पढ़ेंगे, RS फ्लिप फ्लॉप्स, JK फ्लिप फ्लॉप्स, D टाइप एंड T टाइप फ्लिप फ्लॉप। उसके बीच में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, उसको भी पढ़ेंगे, रेस अराउंड कंडीशन को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम 1 बिट मेमोरी सेल या लैच के बारे में थोड़ा पढ़ लें। आखिरी फ्लिप फ्लॉप है क्या, कि हम पढ़ तो लेते हैं, अपने जो हमारी डिग्री के एग्जामिनेशन है उनको पास कर लेते हैं, लेकिन हम रियल में समझ नहीं पाते हैं कि फ्लिप फ्लॉप आखिर है क्या, अब ये क्या वर्क करता है, रियल में इसकी वर्किंग क्या है। अब कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो एवरीथिंग आपको जानना पड़ेगा कि है क्या ये फ्लिप फ्लॉप। तो हम बात कर लें, हमने लिख रखा है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। फ्लिप फ्लॉप, बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट। ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये कोई अरिथमेटिक सर्किट नहीं है कि ये 1100 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहा है, न तो ये लॉजिक सर्किट है, ये जनरली मेमोरी एलिमेंट होता है। लिखा हमने मेमोरी एलिमेंट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 1 बिट, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ मेमोरी को मेमोरी में अपनी रख सकता है, स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन ए बाइनरी स्टेट इंडेफिनेटली। ये बहुत समय तक, जब तक की पावर नहीं दी जाती है तब तक इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें स्टोर रहेगी। इसमें जनरली इनपुट होते हैं और हमको 2 आउटपुट मिलते हैं, दोनों कम्प्लीमेंटेड रहते हैं, इसको हम आगे और समझ पाएंगे। लेकिन ये सब कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले हम लैच पढ़ते हैं, LATCH लैच, या 1 बिट मेमोरी सेल। यहाँ लिखा 1 बिट मेमोरी सेल। हम कुछ इस तरह का एक सर्किट बनाते हैं, हमने ये 2 NAND गेट लिए हैं और इनके आउटपुट को हमने क्रॉस कर दिया है दूसरे के इनपुट्स पर। इसके आउटपुट को हमने इसके इनपुट में दे दिया और इसके आउटपुट को हमने इसके इनपुट में दे दिया। इस तरह से ये क्या बनता है, कैसे वर्क करता है, इसको हम देखते हैं। मान लिया कि हमने लेट आउटपुट ऑफ G1, जो G1 NAND गेट है, इसका आउटपुट 2BQ1, किसी भी टाइम पर G1 NAND गेट का आउटपुट मान लिया जो है वो यहाँ पर 1 है इसका। सपोज दैट इसका आउटपुट जो है वो 1 है किसी भी टाइम पर। अगर ये 1 है G1 का आउटपुट किसी भी टाइम, तो इसी 1 को हमने किससे ऐड कर रखा है, इसको हमने G2 से ऐड कर रखा है। अब अगर ये G2 पर 1 आएगा तो G2 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अगर इसका आउटपुट 1 है तो इसका आउटपुट क्या है, 0। और G2 के आउटपुट को हमने G1 के इनपुट यानी A1 पर दे रखा है, तो ये 0 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, और सिंगल इनपुट का NAND गेट है तो यहाँ क्या कर देगा, 1। अब 1 जो है इसको हमने A2 पे दिया है यानी G2 के इनपुट पर, अब ये NAND गेट है सिंगल इनपुट का, क्या कर देगा, 0। यानी ये 1 ही रहेगा हमेशा और ये हमेशा 0 ही रहेगा। अब देखिए, एक इनपुट 1 है तो एक इनपुट 0। द आउटपुट ऑफ Q एंड QR आर ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री। अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 होगा। द सर्किट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट। इसकी केवल 2 ही स्टेबल स्टेट हैं सर्किट की, एक 1 और एक 0। 1 स्टेट जिसके करस्पॉन्डिंग Q = 1 है उसको हम सेट स्टेट कह देते हैं, और जिसके करस्पॉन्डिंग Q = 0 आता है उसको हम रिसेट स्टेट कह देते हैं। वैसे तो हम आगे फ्लिप फ्लॉप पे देखेंगे एक 4 मोड होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेट रिसेट की बात आती है। अब ये मेमोरी एलिमेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये 1 और 0, अब ये लैच्ड है यानी लॉक्ड है आपस में, इसको हम बाहर से कहीं इनपुट नहीं दे रहे हैं। इसमें जो 1 है हमेशा 1 ही रहेगा, अरे 0 है, 0 इसका कम्प्लीमेंट है, तो एक की अगर हम बात करें दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होते हैं। बोथ द आउटपुट्स आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, 1 आउटपुट इज 1, देन अनदर विल बी 0। तो कहने का मतलब है कि ये मेमोरी है, इसमें 1 इसमें अब हमेशा पाया जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न करें, ये 1 बिट मेमोरी सेल है, या इसको क्या कहेंगे, लैच, LATCH लैच, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है हमको आउटपुट मिला वो ऑलवेज बना रह रहा है, लॉक्ड हो गया, इसे इसको लैच कह दिया। अब ये लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस है, लैच से ही फ्लिप फ्लॉप हम आगे बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये लैच और फ्लिप फ्लॉप में अंतर है, क्या है उसको हम पढ़ते हैं आगे। कि अब हम इसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न बनाते हैं कि हम इसको बाहर से इनपुट दें। अब हम क्या प्रोविज़न बना सकते हैं, सपोज़ दैट हमने क्या किया कि हमने
ये तो इसको दे रखा था हमने इनपुट्स, अब हम इसको ये बाहर से दे दे रहे हैं, एक हम NAND गेट के थ्रू इसको ए हमने इनपुट दे दिया, ऐसे इसको दूसरा हमने NAND गेट के थ्रू हमने ए इसको एक इनपुट दे दिया। इस तरह से एक हमने प्रोविज़न बना लिया कि यहाँ पर हम बाहर से भी इनपुट देंगे। एक तो हमारा आउटपुट पहले से ही मेमोरी में है और एक हम बाहर से इसको इनपुट दे रहे हैं। हमारे ये G1 G2 है, इनको मान लिया हमने एक G3 है और एक G4 है, एक को हमने S कह दिया और एक को हमने क्या बोल दिया R, ये इनपुट समूह S बोल दिया R बोल दिया। तब यहाँ पर जो आउटपुट हमको मिलेगा वो किस किस चीज़ का फंक्शन होगा, एक तो S का और R का, यानी जो इनपुट दे रहे हैं, और एक इसमें से जो पहले ही मेमोरी है, कहने का मतलब जो क्यू है पहले से, इन सब का फंक्शन होगा हमारा Qn+1, और पहले से जो है उसको हम कह देते हैं Qn। जो हमको आउटपुट मिलेगा वो किसका फंक्शन है, एक तो पहले से जो मेमोरी में था वो, ये तो सिक्वेंशियल सर्किट है, इनमें मेमोरी होती है, आउटपुट डिपेंड अपॉन द इनपुट्स एंड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिवाइस। तो पास्ट हिस्ट्री में इसमें जो भी मेमोरी थी पहले वो Qn थी, इसलिए इन दोनों को हमने डिफरेंस कर दिया Qn और एक Qn+1। अक्सर हम इसमें बुक्स में पढ़ करके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं Qn क्या लिखा है, Qn+1 क्या है। तो Qn जो है किसी भी स्टेज में उसके नेक्स्ट स्टेज n+1 है, उसके नेक्स्ट स्टेज, यानी जब हमने डिवाइस को ऑन किया उस समय जो भी आउटपुट था वो हमने Qn कह दिया, अब आगे जो इनपुट देने से आउटपुट आएगा उसको हमने क्या कह दिया Qn+1। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इसमें फ्लिप फ्लॉप में, जब हम पढ़ेंगे आगे, अब ये फ्लिप फ्लॉप बन गया, देखिए लैच नहीं है, अब ये फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इसको हम अब इनपुट दे रहे हैं कि जो भी आउटपुट है, एक तो वो डिपेंड करेगा कि मेमोरी क्या थी यहाँ पे, एक जो हम इनपुट दे रहे हैं, यानी आउटपुट भी हमको यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट स्टेट में, और जो पहले से ही मौजूद है मेमोरी में वो Qn है, तो वो भी यहीं पर है, यानी यहाँ पर जो भी वेरिएबल बिट आएगा वो इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट हमको ये देखना पड़ेगा, आउटपुट इनपुट दोनों यहाँ से मिल रहे हैं, इनपुट यहाँ से भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी जो आउटपुट है वो थ्री चीज़ का फंक्शन है, एक तो दो इनपुट यहाँ से दे रहे हैं और एक इनपुट, और एक इनपुट यहाँ से भी आता है जो मेमोरी में है इनपुट। तो अगर एस आर हमने दिया तो ये सिंपल एक एस आर फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एस आर फ्लिप फ्लॉप का पूरा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का वीडियो बनेगा, उसमें एवरीथिंग कंपटीशन में जो कुछ भी आ सकता है उसको देंगे। तो ठीक है, थैंक यू।